पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर कोई बड़ा फैसला पार्टी नेतृत्व कर सकता है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान ने आग में घी का काम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा 3 गुटों में बटी है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। दिग्विजय के इस बयान को मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भले ही मजाक में लिया हो, लेकिन कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया और सत्ता और संगठन से इस बारे में जवाब मांगा जाएगा। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि पार्टी आलाकमान मध्य प्रदेश में हुई बगावत से काफी आहत है। इस बारे में जहां हाईकमान ने अपने सूत्रों से रिपोर्ट मांगी है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से भी जवाब तलब किया गया है। बताया जाता है कि दीपक जोशी की बगावत के साथ ही दिग्विजय सिंह के बयान की हकीकत की रिपोर्ट देने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही तीनों को एक साथ या फिर बारी बारी से दिल्ली तलब किया जा सकता है। दरअसल 2018 में भाजपा के सामने केवल कांग्रेस की चुनौती थी, जहां कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी और भाजपा के तमाम दावे के बाद भी उससे अधिक सीटें लाकर सत्ता पे काबिज हुई। लेकिन इस बार तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही सिंधिया समर्थकों और असंतुष्ट भाजपाइयों से निपटने की चुनौती भी है। सूत्र दावा करते हैं कि पार्टी के सामने खड़ी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए सत्ता और संगठन केवल इस प्रदर्शन में लगे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूत है। अगर यही स्थिति रही तो इस बार के चुनाव में बीजेपी 2018 से भी खराब प्रदर्शन करेगी।